मैं इस गैप को गैप की तरह नहीं देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि ये 5 साल जो मेरे गैप थे, ये मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने लाइफ से सीखा, और ये चीज मुझे शायद अगर मैं इंडस्ट्री में शुरुआत में आ जाता तो मेरे को शायद इसके 10 साल लग जाते यही एक्सपीरियंस लेने। बहुत रेयर होता है कि कोई एक ही बार में क्रैक कर ले, मेरे को तो 8 अटेम्प्ट लगे थे, ये मेरी 9वां अटेम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर कर पाया हूँ सारे राउंड। देखिए, इस फील्ड में सबसे कमाल की बात ये है कि आपकी ग्रोथ बहुत तेज होती है बाकी फील्ड्स की कंपैरेटिवली। मैंने स्किल्स में सबसे पहला जो वर्ड मैंने यूज किया पावर बीआई, जो भी रेज्यूमे में है आप वही चीज आपको बतानी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर कभी मत आने दीजिए, क्योंकि आप याद रखिए जिस दिन जिंदगी आपको नीचे गिराएगी आप ऐसे गिरेंगे कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे जिंदगी में जो भी चीज चुने अपने लिए, तो कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जो समय होता है वो हर किसी की परीक्षा लेता है। आप भले ही कितने भी बड़े 30 मार खान हो, जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी, और आप जब उस परीक्षा में सफल होंगे तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। डेटा साइंस करके आजकल काफी एक अच्छी फील्ड है और इसमें ग्रोथ काफी हो रही है, इंडिया में पिकअप इंडस्ट्री है और ये अगले कम से कम 20-25 साल तक बहुत ग्रो करने ही वाली है। मैं मतलब हमेशा डरता था इसीलिए कंप्यूटर से, तो इसी के लिए मैंने क्या किया कि कंप्यूटर ली ही नहीं, बायोलॉजी ले ली। प्रेशर था निशांत भाई, बहुत सारा था। तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है अपने अंदर से डर हटाइए। आप भी इस समाज का हिस्सा है और आपको भी नौकरी मिलेगी, बस भरोसा रखिए कि आप जब शुरुआत में सारी स्किल्स सीख लेंगे तो आपको खुद एक अंदाजा हो जाएगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स कौन सी है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए तो आपको नौकरी में आसानी होगी। मैंने की हमारे मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है इंडिया में कि आप थोड़ा दिन एक दिन भी एक्स्ट्रा घर पे बैठ गए तो लोगों को यही लगने लगता है निठल्ला है, कि हम जो लड़के होते हैं ना हम पे और ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं जिंदगी में, तो और हमको कोई समझता नहीं है। लोगों को यही लगता है यार ये तो लड़का है आवारा ही है इसीलिए तो कुछ कर नहीं रहा अभी, लेकिन हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। जो भी हमें देख रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप सब अपने पे भरोसा रखिए और वो कीजिए जो आपका दिल कहता है और आप जरूर सफल हो। हेलो, मैं हूं निशांत और आज के स्टूडियो में हम लोग बात करेंगे अमन के साथ। अमन उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने 2015 में अपनी इंजीनियरिंग नॉन आईटी बैकग्राउंड से की, उसके साथ ही साथ वो गवर्नमेंट एग्जाम भी प्रिपेयर करते रहे और यहाँ पर 5 साल का ईयर गैप होने के बावजूद वो यहाँ पर टीचिंग किए। टीचिंग करने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म किया डेटा एनालिस्ट के लिए और आज एक बहुत ही अच्छी कंपनी में डेटा एनालिस्ट के जॉब में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं एक अच्छे पैकेज के साथ। तो अमन की एक इंस्पायरिंग स्टोरी जिसमें अमन ने कैसे एक रिज्यूम बिल्डिंग किया, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या उनके इंटरव्यू के रिजेक्शंस रहे, उन्होंने 8 इंटरव्यू में यहाँ पर रिजेक्शन देखा, उसके बाद 9th नंबर के इंटरव्यू को उन्होंने यहाँ पे क्रैक किया, ये सारी चीजें हम लोग आज अमन के से देखेंगे, अमन के साथ डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डेटा एनालिस्ट के लिए फ्री वर्कशॉप भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्री कंटेंट देखने के लिए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए आज हम लोग अमन की एक इंस्पायरिंग सॉलिड स्टोरी को देखते हैं और मिलते हैं अमन के साथ। वेलकम टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स अमन। थैंक यू निशांत, थैंक यू सो मच। सो अमन, हम लोग आज का जो इंटरव्यू है हम लोग आज अमन से सारी की सारी चीजें पूछेंगे कि अमन की जो हमारी जर्नी रही वो कैसी रही, अमन का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो कैसा रहा, अमन ने जो हमारे जो इंटरव्यू में जो रिज्यूम बिल्डिंग कैसे की, इंटरव्यू के लिए सर्च कैसे किया, अमन ने अपने जो कैरियर है उसको स्विच कैसे किया, अमन ने ग्रेजुएशन कैसे की, बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस है आज अमन के साथ। लेकिन जरूरी यह है कि हम लोग स्टार्ट करें अमन के साथ कि अमन रहने वाले कहाँ के हैं। एंड अमन, मैं आपसे यही सबसे पहले इस क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि आप रहने वाले कहाँ से हैं, आपने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में की या इंग्लिश मीडियम में की? हेलो निशांत, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आपने मौका दिया कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ, और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हेलो, मैं अमन वर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा डिफेंस बैकग्राउंड रहा है, तो मैं बॉर्न तो यूपी में रहा हूँ लेकिन मेरा ब्रॉटअप एंड एवरीथिंग साउथ इंडिया में ही रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक प्रॉपर हिंदुस्तानी हूँ, कि हर जगह का फ्लेवर है मुझ में, और मैं आज एक डेटा एनालिस्ट हूँ, हैदराबाद की एक कंपनी है क्लाउड फोर्स ही उसमें। थैंक यू वेरी मच अमन इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और जो भी हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है जो इस पॉडकास्ट को देख रही है वो लास्ट तक देखें, क्योंकि हम लोग अमन से सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछेंगे। तो मैं यहाँ पे अमन आपसे सबसे पहले ये जो एक नॉर्मल सा इंटरव्यू जो होता है सबसे पहले ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं,
तो आपने अपनी जो स्कूलिंग की है वो इंग्लिश मीडियम में की है या फिर हिंदी मीडियम में की है? जी निशांत, मैं साउथ इंडिया में पढ़ा हूँ और मेरी पूरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपकी स्कूलिंग किसी भी लैंग्वेज में हो, अगर आप कम्युनिकेट करना जानते हैं, अपनी आइडियाज को सामने वाले के सामने अच्छे से रख सकते हैं, तो आप जिंदगी में कहीं भी सफल हो जाएंगे। यस, और अमन, हमारी जो ग्रेजुएशन जर्नी रही है उसमें आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है? निशान, मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी अपनी, और उसके बाद फिर मैंने MBA किया फाइनेंस स्ट्रीम से, और उसके बाद फिर मैं यहाँ डेटा एनालिस्ट की फील्ड में आया हूँ। तो आप कह सकते हैं कि मेरे को हर चीज का लाइक थोड़ा थोड़ा नॉलेज है हर फील्ड। तो अमन एक कॉम्बो की तरह है कि पहले उन्होंने एक मैकेनिकल से जाकर जो है एक इंजीनियरिंग की, और उसके बाद अमन ने यहाँ पर फाइनेंस से MBA किया। तो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अमन की जो जर्नी रही है वहां पे एक मैकेनिकल ब्रांच से निकलकर डेटा एनालिस्ट की वो जर्नी पे आए हैं। तो अमन, आपने फिर मैकेनिकल किया, फिर MBA किया, उसके बाद आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको डेटा एनालिस्ट की जर्नी की तरफ आपको स्विच करना है? निशांत, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूवर्स को। स्कूलिंग बैकग्राउंड से अगर देखें तो मैं बायोलॉजी मैंने ली थी 10th के बाद, और मेरा सपना था कि मैं फौज में जाके डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पिताजी भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं, और तो वही जैसे हर फौजी के बच्चों का रहता है कि ठीक है पिताजी हैं तो हम भी जाएंगे, तो वही मेरे साथ भी था। तो लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, जनरली लोग NDA और ये सब के थ्रू फौजी बन के जाना चाहते हैं, मैं AFMC के थ्रू जाना चाहता था, तो ये मेरा वो था एस्पिरेशन। बट जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं लाइक सम 5 या 5.5 मार्क्स से कुछ रह गया, मुझे याद नहीं है, और उसके बाद तो पिताजी ने सीधा बोल दिया था कि देख बेटा हम सरकारी अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, एक छोटी बहन है तो उसकी पढ़ाई का भी हमें देखना है। तो वो सोच के फिर मैंने एक अटेम्प्ट और दिया बट उसमें हुआ नहीं, तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे ये गाइड किया कि 12th से पहले लाइक बहुत कम चांस रहेंगे, कंप्लीट कर लो आप अपनी इंजीनियरिंग, उसके बाद आपके पास और ज्यादा चांस आएंगे फौज में जाने के। तो उस माइंडसेट से मैं गया और वो एक मोटिवेशन फैक्टर था मेरा कि चलो ठीक है बहुत सारे चांस आएंगे तो मेरे को अपने आप को तैयार रखना है कि जब मौका आए तो मैं उसको ग्रैब कर सकूं। तो पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की और 90+% CGPA के साथ मैंने कंप्लीट करके, और फिर फौज में मैंने काफी ट्राई किए बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। कहते हैं ना जब कुछ चीजें लिखी नहीं होती आपकी किस्मत में तो नहीं होती है, आप कितना भी हाथ पांव मार लो बट कोशिश करते रहने चाहिए, तो वही मैंने की। और उसके साथ साथ फिर क्या होता है, हमारे भारतीय समाज में ऐसा है कि आपकी कॉलेज लाइफ जैसे ही कंप्लीट होती है लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपसे कि अब इसका जॉब लग जाना चाहिए था, क्यों नहीं लग रहा है, कुछ दिक्कत है क्या। आपके मुंह पे नहीं बोला जाता है बट आपके माँ बाप को ये बातें कहीं ना कहीं से सुननी पड़ती हैं और वो फिर आके आपको सुनाते हैं। तो वही एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह मुझे भी ये चीजें सुननी पड़ती थी, अब मैं क्या बोलता उस समय, मैं क्या करूंगा लाइफ में, ना मेरे पास कुछ कहने के लिए था ना कुछ था, तो वही हल्के फुल्के जो तीखी विखी नोक झोंक हो जाती घरों में वो चलता था मेरे यहाँ भी, बट मुझे पता था कि चलो मैं कुछ अच्छा कर ही लूंगा, इतना भरोसा था मुझ में। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि दिक्कत आ कहाँ रही है, दिक्कत तो यही है ना कि आपको पैसे की जरूरत है, लाइक पैसे कमा के देना है बाकी बच्चों की तरह। तो मैंने कहा जब पैसे ही कमाने हैं तो उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी चीज क्यों करूं, मैं अपना ट्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। तो मैंने साथ में ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी सर। ये कब की बात है अमन? ये मैं 2015 में मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी इंजीनियरिंग, और ये 2015 के स्टार्टिंग में ही आप मान लीजिए मैं अपने आखिरी सेमेस्टर में था और उसी समय मैंने ये शुरुआत की थी। एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है, लिंक्ड कहानी है कि हमारे स्कूल में टीचर्स थोड़े साउथ इंडियन थे तो लाइक उनकी तमिल में आप क्या ही समझोगे अपना 11th 12th, तो उसमें आपको खुद की लैंग्वेज में अगर कोई समझा दे तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो वो दिक्कत मेरे साथ आ गई थी कि हम लोग ठहरे नॉर्थ इंडियंस, हमें उतनी आती नहीं थी, तो कैसे भी रट रट आके हमने कंप्लीट कर दिया 11th 12th, बट उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। तो जब मैं कॉलेज पहुंचा वहां मैंने अपने सारे डाउट्स क्लियर हुए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जो 11th 12th में हो जाने चाहिए थे बच्चों के बट नहीं हुए। तो वहां जाके जब मेरे हुए कॉलेज में तो मैंने एक डिसाइड किया कि चलो अब मुझे लाइफ ने जो चीज दी है मैं उसको बांटूंगा लोगों को, उन बच्चों के साथ बांटूंगा जो अभी भी स्कूल में हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में आगे। तो ये भी एक मोटिवेशन था कि चलो ट्यूशन मैं इस मोटिवेशन के साथ भी पढ़ा सकता हूँ ताकि मेरे को ये आगे तक लेके जाएगा। तो वही फिर मैंने लोगों को पढ़ाया और काफी हेल्पफुल हुआ लोगों के लिए, स्टूडेंट्स काफी आगे तक गए, बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज फौज में अफसर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो अच्छी अच्छी जगहों पे हैं।
तो ये एक मेरा मोटिवेशन था, और इसके साथ साथ पैसा भी घर पे आ रहा था, तो चीजें भी थोड़ी शांत हो गई थी कि चलो ठीक है, लड़का कमा तो रहा ही है, कुछ कर ही लेगा आगे। जी हाँ, बट हमारे साथ दिक्कत ये आती है ना कि हम जब कमाने लग जाते हैं, हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो हम थोड़े से सैचुरेट हो जाते हैं, हम आगे के बारे में सोचते नहीं, हम बस ये सोचते चलो पैसा आ रहा है तो ठीक है। तो ऐसी दिक्कत हो गई थी मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा यार ट्यूशन हर टाइम तो आपका साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि इंडिया में ट्यूशन एक सैचुरेशन लेवल माना जाता है कि उससे ऊपर आप कुछ कर ही नहीं सकते, बढ़ ही नहीं सकते। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर मैंने एमबीए कर लिया फाइनेंस में, क्योंकि वो भी मेरे दोस्तों ने बताया। तो आप ऐसे कह सकते कि लाइक लाइफ में सामने वाले ने जो जो बोला है मैंने वो सारी चीजें कर ली, खुद से कुछ सोचा नहीं। बट जब खुद से सोचा तो वो डिसीजन था मेरा डेटा एनालिस्ट का। और मैं आज कहना चाहता हूँ लोगों को कि जो चीज मैंने खुद से सोच के खुद के सपनों पे जब काम किया और आगे बढ़ा, तो वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। तो इसलिए मैं जो भी हमें देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप सब अपने पे भरोसा रखिए और वो कीजिए जो आपका दिल कहता है, और आप जरूर सफल होंगे। एक तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को ये बता दूं कि आज का इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले अमन ने ये मेरे से कहा जो मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी कि निशांत भैया, यदि एक स्टूडेंट भी यदि आज हमारा इंटरव्यू देख के या हमारा पॉडकास्ट देख के यदि अपने लाइफ में छोटे मोटे भी इम्पैक्ट करता है, तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए। तो आप एक देख सकते हैं कि यदि आप स्टार्टिंग से ही डिफेंस में जाने के लिए प्लान आउट करते हैं, या अमन की आप जर्नी देख सकते हैं कि आप स्टार्टिंग से बायो के फील्ड में जाना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, उसके बाद वो टीचिंग के फील्ड में आए, फिर उसके बाद वो एमबीए के फील्ड में आए, उसके बाद भी जाके वो डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जो है वो अपने कैरियर को स्टार्ट करने के बारे में यहाँ पर डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग अमन यही चीज डिस्कस करेंगे अब कि जो हमारे डेटा एनालिस्ट की जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स आए, कि आप कैसे एक सिलेबस बनाएं, क्या रोड मैप बनाएं, ये हमारे व्यूवर्स को आप पहले बताएं। हाँ जी निशांत, तो हुआ ये था कि मैं मतलब हमेशा डरता था इसीलिए कंप्यूटर से, तो इसी के लिए मैंने क्या किया कि कंप्यूटर ली ही नहीं, बायोलॉजी ले ली, और मेरा इंटरेस्ट भी था जैसे कि मैंने कहा। लेकिन जब डेटा एनालिस्ट के बारे में मैंने पहली बार सुना, तो मेरे दिमाग में लाइक जैसे मैंने ये वर्ड डेटा सुना, मुझे लगा नहीं यार कंप्यूटर से रिलेटेड है, मेरा कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो मैंने ये आइडिया गिव अप कर दिया। बट कहते हैं ना जब कुछ चीज आपके लिए बनी होती है तो वो बार बार घूम फिर के आपकी तरफ आई जाती है। तो फिर 2019 की बात है, तब कोरोना आ गया था, सब चीजें रुक सी गई थी। तो वही मैं और मेरे दोस्त ऊपर छत पे बैठे हुए थे और ऐसी बातें कर रहे थे कि यार लाइफ में आगे क्या किया जाए। तो वो था कंप्यूटर साइंस से और मैं था मैकेनिकल से, तो उसने मेरे को ये चीजें फिर से एक बार कही कि अमन डेटा साइंस करके आजकल काफी एक अच्छी फील्ड है और इसमें ग्रोथ काफी हो रही है, इंडिया में पिकअप इंडस्ट्री है और ये अगले कम से कम 20-25 साल तक बहुत ग्रो करने ही वाली है। बस थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी एड ऑन हो सकती है, माइनस हो सकती है, बट ये फील्ड रहेगी। तो ये एक भरोसा उसकी बातों से मुझे लगा कि यार जब ये बोल रहा है और है तो हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो और फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू की, राइट? ये बात फिर 2019 एंड पे आ गई, 15 से लेके 2020 तक कह लें सरल शब्दों में तो घाट घाट का पानी पिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं सोसाइटी का रिजेक्शन भी देखा आपने, यहाँ पे अपने कैरियर ट्रांसफॉर्म करते हुए भी देखा, और एक अच्छी जो हैप्पीनेस जो है, एक टीचिंग का जो हैप्पीनेस है, जो आज आप भी कर रहे हैं, जो आज की डेट में हम लोग जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, ये चीज आप करते हुए भी आप वहां पे एक डिसीजन ले पाए, मतलब इन 5 साल के बीच में, हालांकि हम लग सकता है हमको भी एक स्मॉल सी लोकल सी जर्नी रही होगी, लेकिन मैं रियलाइज कर सकता हूँ या हमारे व्यूवर्स रियलाइज कर सकते हैं कि 2015 के बाद 2020 में ये डिसीजन आप जब आप ले रहे थे तब आपकी क्या यहाँ पे साइकोलॉजी होगी। प्रेशर था निशान भाई, बहुत सारा था, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है इंडिया में कि आप थोड़ा दिन एक दिन भी एक्स्ट्रा घर पे बैठ गए तो लोगों को यही लगने लगता है निठल्ला है। सही बात। और ऊपर से मैं ये भी एक एक्स्ट्रा चीज कहना चाहूंगा, जो भी हमें देख रहे वो मतलब रिलेट कर पाएंगे, कि हम जो लड़के होते हैं ना, हम पे और ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं जिंदगी में, हमको परिवार चलाना होता है, माँ बाप की सेवा करनी होती है, और पूरा समाज एक तरह से आप कहिए तो टिका होता है हम पे। तो और हमको कोई समझता नहीं है, लोगों को यही लगता है यार ये तो लड़का है, आवारा ही है, इसीलिए तो कुछ कर नहीं रहा अभी, लेकिन हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। तो मैं व्यूअर्स को यही कहूंगा कि आपको किसी का मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है, एक भरोसा रखिए, अपने माँ बाप को भरोसे में लीजिए, बस उतना आपके लिए बहुत है जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और आपका जो दिल कर रहा है आप पूरे शिद्दत से प्लान बनाइए, एक रोड मैप बनाइए और आगे बढ़िए। तो यही मैंने किया, जब मेरे को लगा कि हाँ डेटा साइंस की तरफ जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब में ढूंढना शुरू किया कि ये होता क्या है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए मेरे को।
तो बहुत सारी रिसोर्सेस मिली बट स्कैटर्ड थी, तो ये मेरे लिए एक दिक्कत का सबक था कि यार कम टाइम में मेरे को क्योंकि करना है, क्योंकि जॉब तो आपको चाहिए, अब आप खुद से पढ़ के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी के लिए जब मैंने ढूंढना शुरू किया, बहुत सारी चीजें देखी, ब्लॉग्स पढ़े ऐसे ऐसे, तो मेरे को एक ओडिन स्कूल करके एक इंस्टीट्यूशन थे हैदराबाद में, उनके बारे में पता चला, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि सर मेरे को ऐसे ऐसे आपके यहाँ बूट कैंप करना है, तो फिर फाइनली मेरा बात वहां बन गया और फिर वहां मैंने शुरू किया। तो उन्हीं के रोड मैप मैंने फॉलो किए, जो कि मैं आज अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ जो अपने आप से खुद से तैयारी करना चाहते हैं, कि देखिए दो तरह के रोड मैप होते हैं, या तो आप आईटी बैकग्राउंड के हैं या तो आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अपने अंदर से डर हटाइए। आप भी इस समाज का हिस्सा है और आपको भी नौकरी मिलेगी, बस भरोसा रखिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप शुरुआत कीजिए एसक्यूएल से, क्योंकि ये एक बेसिक डेटाबेस की लैंग्वेज होती है और बहुत सिंपल होती है। आपने नॉर्मल इंग्लिश जैसे लिखी होगी, बस इसमें वैसे ही लिखनी होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और एक बार आप जब इस स्किल्स पे थोड़ी महारत हासिल कर लेंगे, उसके बाद आप थोड़ी पाइथन की तरफ आगे बढ़िए। पाइथन को आप बेसिक लेवल तक कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको मीडियम लेवल तक लेके जा सकते हैं। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ये दो स्किल जो है, ये आपका बेस का काम करेंगी, ये आपकी फाउंडेशन है जो आपको पढ़ना है और रोज के रोज प्रैक्टिस करना है। आप रोज के एक घंटा दो घंटा देंगे तो बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट बनेंगे। इसके ऊपर आजकल विजुअलाइजेशन टूल्स आ गए हैं, जैसे कि अगर किसी को कोडिंग करना पसंद नहीं है, पाइथन पसंद नहीं है, ठीक है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, आपको कोडिंग नहीं आती, आपको डर भी है, सीखने के बाद भी डर रहा, तो आप पावर बीआई या टैबलू में से कोई एक चीज सीख सकते हैं। ये वही काम करते हैं जो पाइथन आपके लिए करता है, बट यहाँ पे आप क्लिक से काम चला सकते हैं, आपको कुछ लिखने की कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कोई भी अच्छा सा पाइथन का पावर बीआई का कोर्स या टैबलू का कोर्स आप कर सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे चीजें अवेलेबल हैं आपके स्टार्टिंग के लिए। और ये जब आपकी चीजें हो जाए, इसके साथ साथ आप डेटा साइंस की स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, उस पर भी बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, आप देखिए समझिए, बहुत सिंपल लेवल की स्टैटिस्टिक्स आती है। मैं जानता हूँ जो हमें सुन रहे होंगे वो स्टैटिस्टिक्स वर्ड देख के घबरा जाएंगे जो मैथ्स को पसंद नहीं करते, बट रुकिए भरोसा कीजिए, ये स्टैटिस्टिक्स उस लेवल की स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो 11th 12th में आपका दिमाग खा जाती थी, बहुत सिंपल लेवल की स्टैटिस्टिक्स है, बस आपको समझना है कि कहाँ पे यूज होती है, बाकी का काम कंप्यूटर आपके लिए कर देगा। इतनी चीज अगर आपकी अच्छी है, आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, भरोसा रखिए, इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अब आते हैं टेक साइड में, कि अगर कोई आईटी बैकग्राउंड से ही है तो उसको क्या करना चाहिए। तो मेरी पर्सनल सलाह यही होगी कि आप पाइथन से ही शुरुआत कीजिए, एसक्यूएल को साथ में रहने दीजिए, और आप भी ऊपर से पावर बीआई या टैबलू में से कोई एक चीज कर लीजिए। ये तीन चीजें स्टार्टिंग के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। और आईटी और नॉन आईटी दोनों को मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप साथ में एक्सेल भी सीख लेंगे तो आपके लिए और अच्छा है। एक्सेल में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग हमें सुन रहे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि एक्सेल तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। मैं आपको बता दूं कि आपको जो एक्सेल आता है ना, वो बहुत बेसिक लेवल का आता है, एडवांस एक्सेल करके एक चीज होती है। तो कुछ कंपनियां हैं जिन जो अफोर्ड नहीं कर सकती हाई एंड सॉफ्टवेयर, तो वो आज भी एडवांस एक्सेल पे अपना काम चलाती हैं। तो आपको अगर वहां इंटरव्यू देना, वहां जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको एडवांस एक्सेल आनी चाहिए। तो आप एडवांस एक्सेल सीख के फिर पावर बीआई सीखिए, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये उसी के ऊपर बिल्ड है। तो इतनी चीजें अगर आपने कर ली तो आप गुड टू गो हैं, आप बस मेहनत कीजिए और प्रिपेयर करके आगे बढ़िए, हो जाएगा आपका। सो हम लोग यहाँ पे जो अमन ने अभी हमें एक रोड मैप बताया है, उससे हम लोग कंक्लूड करते हैं। देखिए, अमन ने बताया कि आपको एडवांस एक्सेल सीखना है, सेकंड आपको यहाँ पर पाइथन सीखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एसक्यूएल सीखना है, उसके बाद आप पावर बीआई या फिर टैबलू कोई एक विजुलाइजेशन टूल यहाँ पे सीख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अमन लाइब्रेरीज भी हमें पढ़नी होती है पाइथन के रिलेटेड, पाइथन के रिगार्डिंग डेटा एनालिस्ट के लिए। हाँ जी निशांत, होता क्या है कि पाइथन में इनबिल्ड लाइब्रेरीज आती है, नंपी और पांडास। तो ये दो लाइब्रेरीज अगर आपने ढंग से कर ली हैं, और उसमें विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी अलग से आती है, सीबॉन या मैटप्लॉटलिब हम कहते हैं उन्हें, तो अगर ये तीन लाइब्रेरीज पे आपकी कमांड है तो आपका काम चल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि अमन ने बताया कि उन्होंने एसक्यूएल पढ़ा, पाइथन की तीन लाइब्रेरीज पढ़ी, और पाइथन के जो जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स है वो उन्होंने यहाँ पे जो है पढ़ा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पावर बीआई और टैबलू की स्किल सीखी, और उसके साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एडवांस एक्सेल की स्किल सीखी, राइट अमन? जी निशान, बिल्कुल सही। आप भी इसी तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक करियर का रोड मैप बनाए। एंड अमन, मैं आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, कि बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के ये आते हैं मेरे पास, डेटा एनालिस्ट के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, डेटा साइंटिस्ट के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, या फिर मैं बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता हूँ तो मुझे कितना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पाइथन तो तीनों चीजों के लिए है, तो
तो इसके लिए भी आपने कैसे थिंक कर सकते हैं या फिर कैसे आप एक अपना इनपुट दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, वो भी आप स्टूडेंट्स को काइंडली बताएं। हाँ बिल्कुल निशांत, देखिए ये तीनों चीजें जैसा कि निशांत भाई ने बताया, ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट को मैं शुरुआत करता हूँ। बिजनेस एनालिस्ट का जो काम होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये बिजनेस के इनसाइट्स की एनालिसिस करता है। तो आपको डेटा मिल जाएगा, आप उसको साफ करेंगे और उसको आप किसी भी एक विजुअलाइजेशन टूल में डाल देंगे, जैसे कि मैंने बताया पावर बीआई या टैबलू। तो अगर आपका काम प्योरली पावर बीआई और टैबलू पे है तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं। अगर इसके अलावा आपका दूसरा काम है, आप पाइथन पे भी काम कर रहे हैं, आप एसक्यूएल डेटाबेस पे भी अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप एक डेटा एनालिस्ट कहलाएंगे। डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो टॉप टू एंड मशीन लर्निंग भी उसमें इंटेग्रेट करता है, क्योंकि देखिए डेटा साफ करके और बस उससे कुछ निकाल के दे देना ही काम नहीं होता है। आप कभी कभी कुछ कंपनियां आपने देखी होंगी, आप हम सब मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, हम सब गूगल में कुछ वॉइस में कुछ बोलते हैं और गूगल हमको दे देता है। तो ये चैटबॉट्स कुछ साल पहले नहीं थे, तो ये चीजें मशीन लर्निंग से पॉसिबल हुई हैं। तो मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट के अंडर में आता है, इसीलिए उसको साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो कोई नई चीज का आविष्कार करता है। तो वही आप डेटा के साथ कुछ नया आप बना दें, कोई नया मॉडल तैयार कर दें, उसको हम डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। और डेटा साइंटिस्ट शुरुआत में आपको बनने के लिए बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, मैंने जो चीजें आपको कही उसके ऊपर बहुत सारी चीजें, आपको क्लाउड्स आनी चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, मशीन लर्निंग के सारे मॉडल आने चाहिए, कहाँ पे कौन सा मॉडल लगेगा वो आपको आना चाहिए। तो ये बहुत वास्ट चीज हो जाएगी। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं जिनको शुरुआत करनी है, वो अपने आप को या तो बिजनेस एनालिस्ट या तो डेटा एनालिस्ट तक सीमित रखें, और एक बार आप जब कंपनी में घुस जाएंगे, आपको एक दो साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा उनको। पाइथन की रही बात, आप पाइथन इंटरमीडिएट लेवल तक सीखिए, ये दोनों पोजीशंस के लिए काफी होता है। तो यहाँ पे अमन का कहने का मतलब ये है, चाहे बिजनेस एनालिस्ट हो, प्रोडक्ट एनालिस्ट हो, या रेवेन्यू एनालिस्ट हो, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हो, जो भी वर्ड के साथ यहाँ पर एनालिस्ट वर्ड जो लगा हुआ है, यहाँ पर आपको एक लेवल वन है, आपको यदि डेटा साइंस की फील्ड में जाना है तो। मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट एक ग्रेजुएशन के स्किल सेट है, और पोस्ट ग्रेजुएशन स्किल सेट लेवल के जो है हमारे डेटा साइंस के स्किल सेट है, राइट अमन? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो यहाँ पर जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उन्हें पहले यहाँ पर प्लान आउट कर लेना है कि यदि आपके बेसिक्स बिल्कुल भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो आप पहले प्लान आउट करें डेटा एनालिस्ट के रोड मैप के लिए, उसके बाद ही आप डेटा साइंस के लिए जाएं। ये मैं चीजें इसलिए एड ऑन कर रहा हूं अमन यहाँ पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर हायर पैकेज के मतलब पहले लोभ में, ठीक है, हायर पैकेज के डिजायर में यहाँ पर डायरेक्ट डेटा साइंस के लिए पढ़ने के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद उनको जो है एक महीने के बाद रियलाइज होता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट? सो यहाँ पर आपको एक रोड मैप कैसा होना चाहिए, अमन ने कैसा रोड मैप बताया, यहाँ पर हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो अमन, मैं यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि हमने पढ़ाई तो कर ली, ठीक है, अब हमने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से करने हैं एक डेटा एनालिस्ट के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट जब हम लोग ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहां पे हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो डेटा साइंस के लिए होते हैं। एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए डेटा एनालिस्ट के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए थे, और आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है हमें करने चाहिए? देखिए निशांत भाई, मैंने क्या किया था, मैंने शुरुआत में पाइथन वाले प्रोजेक्ट कर लिए थे और मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया था। आप जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जब शुरुआत में ये सारे स्किल्स सीख लेंगे तो आपको खुद एक अंदाजा हो जाएगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स कौन सी है। कुछ लोग हैं जो पाइथन पसंद नहीं करते थे बट सीखने के बाद पसंद करने लग जाएंगे, कुछ लोग हैं जो पावर बीआई करेंगे तो उनकी विजुअलाइजेशन स्किल्स अच्छी हैं। तो आप ऐसे डिसाइड कीजिए, अगर आपकी विजुअलाइजेशन स्किल अच्छी है तो आप पावर बीआई का कोई प्रोजेक्ट बनाइए, उसको आप रिज्यूम में लगाइए, और अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है तो आप कोड करके वही काम जो पावर बीआई में है, वही चीजें आप कोड करके पाइथन में अच्छे से बनाइए और उसको डालिए। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए तो आपको नौकरी में आसानी होगी। दूसरी चीज, प्रोजेक्ट आपको डालना कैसे है, मैं इसका कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। देखिए रेज्यूमे एक पेज का होता है, ज्यादा ज्यादा दो पेज का, तो आप कोशिश कीजिए एक पेज रखने की, वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है इंडस्ट्री में, और प्रोजेक्ट के लिए बहुत छोटी सी जगह ही बचती है, बहुत सारी चीजें जब आप डाल चुके होते हैं। तो प्रोजेक्ट को आप 5 पॉइंट्स पे रखिए, ठीक है। आपका सबसे पहला चीज जो होगा वो आपकी हेडिंग होगी, ठीक है, आपको बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प करके आपको अपनी हेडिंग लिखनी है। नंबर 2 पॉइंट आपका एम रहेगा कि आपके प्रोजेक्ट का एम क्या है, ठीक है, उसको भी आप शॉर्ट रखिए।
और तीसरे में आप लिखिए कि आपने डेटा के साथ किया क्या, एक लाइन में या दो लाइन में आप लिख सकते हैं कि मैंने डेटा को इस तरह से साफ किया, ये सारी लाइब्रेरीज यूज की। अगर पावर बी आई आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप लिखिए कि डेटा को मैंने डाला पावर बी आई में और उसके साथ ये सारी चीजें मैंने उसको क्लीन किया, सिंपल आप ये लिख सकते हैं। चौथे पॉइंट पे आप उससे लिखिए कि आपने उसके अंदर से क्या क्या चीजें निकाली ढूंढकर, इनसाइट लिखिए आप। फाइनली आपका फाइनल पॉइंट जो होगा वो आपके एम के बराबर होगा, एम जो आपने लिखा है वो आप फाइनल पॉइंट में आप उसको थोड़ा न्यूमेरिकल वे में लिखिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने सेल्स पे किया था कि ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल कितनी होती है यूरोप में, तो पहले पॉइंट पे तो मैंने लिख दिया जनरल इंग्लिश में कि ये मेरा एम है, लेकिन लास्ट पॉइंट पे मैंने उसको नंबर्स में दिखाया कि इतने मिलियन सेल्स हुई थी क्रिसमस के टाइम पे, तो ये थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है देखने में, क्योंकि आप उनको एक वेग आइडिया नहीं दे सकते कि मैंने ये देखा ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कितना ज्यादा बिक रहा है उनको उससे मतलब होता है। तो आप ऐसे लिखिए, तो ये पांच पॉइंट में आप अपने प्रोजेक्ट को खत्म कीजिए, तो इससे आपका बहुत अच्छा सा रेज्यूमे बन जाएगा और बाकी रेज्यूमे में क्या डालना है वो आपको पता चल ही जाएगा, गूगल आप देखेंगे थोड़ा यूट्यूब करेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस रहेगी जो भी व्यूअर्स हमें देखें। अमन का कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस पर हम लोग को ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट को यहाँ पे रिज्यूम पे मेंशन करना चाहिए। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे अमन से पूछ लिया कि अमन हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमें रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, अब कितना टाइम हमें लगा पढ़ने के लिए डेटा एनालिस्ट के लिए, डे वन से लेके हमारा कितना टाइम लगा। अमन ऑनली व्यूअर्स को ये बताएं कि एक डेटा एनालिस्ट की तैयारी के लिए कितना टाइम हमें लगता है, 3 महीना 6 महीना 9 महीना उसके अकॉर्डिंग। हाँ निशांत, ये जो क्वेश्चन है ना ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई भी अपने आप को समय कितना दे पा रहा है। कुछ कुछ लोग जो हमें देख रहे होंगे वो हो सकता है अपना डोमेन स्विच कर रहे हो, काम कर रहे हो और वो अपने डोमेन को स्विच करने की सोच रहे हो, तो उन लोगों को ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। और जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट है उनके पास समय ही समय है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो और वो साथ में डेटा एनालिस करना चाहते हैं। ये होता है मन कि कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशन होते हैं और उनको टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो हाँ यही निशांत, तो मैं यही कह रहा था कि अब जैसे मैं ही हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं काम नहीं करता था तो उस समय मैं कंसिस्टेंटली 2 से 3 घंटा देता था हर स्किल्स के लिए। और आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो स्किल पढ़ी है आप कम से कम उसके लिए 2 से 3 हफ्ता रखिए, क्योंकि आपको उसको समझने में डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो इससे आप लगा लीजिए, अगर आप दिन भर के क्वालिटी के 4 घंटे दे रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने में। अगर आप उसको कम कर लीजिए तो आप महीने बढ़ा लीजिए, अगर लेट से आप 2 घंटा दे पा रहे कंसिस्टेंटली तो आप ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 महीने में एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आप समय कितना दे पा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग? हाँ, मेरे को लगा था 7.5 महीने के आसपास लगा होगा, क्योंकि मेरे को शुरुआत में पाइथन पिकअप करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और बाकी चीज़ें बहुत सिंपल थी, तो पाइथन को समझने में और उसको बाकी चीज़ों के साथ इंटेग्रेट करने में मेरे को थोड़ा समय लगा। आप लगा लीजिए 2 से 2.5 महीना लगा होगा। अमन के एक्सपीरियंस से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट पूरा फुल टाइम यदि टाइम दे रहा है तो उसे लगभग 6 to 7 months प्लस जो है लग सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं होता है, हो सकता है कि वो आर्ट्स के फील्ड से हो सकता है वो कॉमर्स के फील्ड से हो, जिनको इंस्टॉलेशन भी नहीं आता है, तो हो सकता है कि उन्हें 9 months या 10 months भी लग सकते हैं, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप एक दिन के अंदर सीख जाएंगे। राइट अमन? बिल्कुल निशांत, ये बिल्कुल भी जादू की छड़ी नहीं है। जो भी हमें देख रहे हैं मैं उनको यही बता दूं कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप चाहे जिंदगी में जो भी चीज चुने अपने लिए तो कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जो समय होता है वो हर किसी की परीक्षा लेता है। आप भले ही कितने भी बड़े 30 मार्क खान हो, जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी, और आप जब उस परीक्षा में सफल होंगे तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो डरिए मत, हारिए मत और बस भरोसा रखिए। यस, अमन का कहने का मतलब है कि ये एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा, है ना। तो देखिए, हमने यहाँ पर अमन से पूछ लिया है अभी तक कि अमन की जर्नी कैसी रही, अमन के रिजेक्शंस हम लोगों ने देखे। अब हम लोग वापस से फिर से रिजेक्शंस पे आते हैं, क्योंकि रिजेक्शन ही सिलेक्शन का एक मार्ग होता है। तो यहाँ पर अमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंटरव्यू में रिजेक्शंस कितने हुए, क्योंकि सबको लगता है कि हम लोग पढ़ के जा रहे हैं मतलब पहला इंटरव्यू ही क्रैक कर देंगे, तो आपकी जर्नी कैसे रही? बहुत रेयर होता है कि कोई एक ही बार में क्रैक कर ले। मेरे को तो 8 अटेम्प्ट लगे थे, ये मेरी 9वां अटेम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर कर पाया हूँ सारे राउंड।
तो शुरुआत के जो मेरे अटेम्प्ट थे, मैं ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि आप दूसरों की गलतियों से जल्दी सीख सकते हैं, तो मेरी गलती ये रही कि मैं अपने स्ट्रेंथ पे कभी खेलता ही नहीं था। मेरी स्ट्रेंथ थी पावर बीआई, और मैं खेलता रहा या दिखाता रहा पाइथन, मशीन लर्निंग, ये सब। ठीक है, तो आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपकी एसक्यूएल स्ट्रेंथ है तो आप उसको रेज्यूमे में टॉप पे लिखिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हों उसी से रिलेटेड पूछे जाएं आपसे, प्रोजेक्ट भी आप उसी से रिलेटेड कीजिए। तो शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि आपकी जो टॉप की दो स्किल्स हैं रेज्यूमे में जो आपने लिखी हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो ये इसमें आपको कम टाइम लगेगा, आप जल्दी क्रैक कर पाएंगे कोई इंटरव्यू। लेकिन इसके बावजूद आप ये सब कर रहे हैं, इसके बावजूद आप क्रैक नहीं कर पा रहे, तो आप हिम्मत मत हारिए, आप अपनी गलतियां पकड़िए। हो सकता है आप बात करने में थोड़े कमजोर हो सकता है आप कम्युनिकेशन में थोड़े कच्चे हो, तो अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे थोड़े काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको नहीं लगता है कि नहीं यार इससे थोड़ी होगा, लेकिन एक्चुअली में वही चीजें आखिरी में मायने रखती हैं कि आप अपने गैप्स को किस तरह से बता रहे हैं। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी आखिरी के दो इंटरव्यू में, कि मेरे से जब वो लोग ये पूछते थे कि इतने साल का गैप हो गया, अब आप इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं, तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मजाक उड़ाते थे, बट एक्चुअली वो मजाक नहीं, वो देखना चाहते थे कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े आराम से शांति से सुनता था पहले, और एक सुलझे ढंग से मैंने उनको यही रिप्लाई किया कि हो सकता है सर आपके देखने का नजरिया अलग हो, लेकिन मैं इस गैप को गैप की तरह नहीं देखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये 5 साल जो मेरे गैप थे, ये मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने लाइफ से सीखा, और ये चीज मुझे शायद अगर मैं इंडस्ट्री में शुरुआत में आ जाता तो मेरे को शायद इसके 10 साल लग जाते यही एक्सपीरियंस लेने में। तो इस तरह से आप अपनी कमजोरियों को इस तरह से बताइए कि वो सामने वाले को आपकी ताकत लगे, क्योंकि कोई भी आपको आपकी ताकत पे रिक्रूट करता है, आपकी कमजोरियों पे रिक्रूट नहीं करता है। तो बस आप ये क्वेश्चन पे काफी काम कीजिए, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जिनके गैप्स हैं, मैं यही कहूंगा आप इस क्वेश्चन पे खूब काम कीजिए, क्योंकि स्किल तो आप लर्न कर लेंगे, प्रैक्टिस करके मेहनत करके आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या, इस क्वेश्चन का आपको इस तरह से आंसर करना है कि आपकी आई कॉन्टैक्ट बनी रहे इंटरव्यूअर से, आप कॉन्फिडेंट भी दिखें और आप वो बात कर पाए जो आपने सोच रखी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी बॉडी हमें साथ नहीं देती, हम बोलना कुछ चाहते हैं और लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज दिखा देती है कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो आप पकड़े जाएंगे। तो आप इसीलिए इस क्वेश्चन पे खूब काम कीजिए, आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करके अपना वीडियो रिकॉर्ड करके देखिए कि आप किस तरह की गलती कर रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने की थी अपने आखिरी के 3-4 अटेम्प्ट में, तो तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, और नहीं होता तो शायद मैं आज इधर होता नहीं आपके सामने। सही बात है कि अमन ने, आप देख सकते हैं कि अमन आप लोगों के लिए इतना अच्छा और जेन्युइन फीडबैक दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू की खुद से सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको हो पाए तो यहाँ पे मॉक इंटरव्यू करने चाहिए पहले आपके किसी सीनियर के साथ, आपके किसी फ्रेंड के साथ, जिससे कि आप इंटरव्यू में जाके घबराए ना। उसके बाद भी यदि आपके 7 से 8 सिलेक्शन होते हैं तो पक्का है कि आप भी यहाँ पे 9 और 10 नंबर के इंटरव्यू के अंदर भी आप यहाँ पर अपने एक अच्छे डिजायरेबल जॉब को जो है यहाँ पे पा सकते हैं। राइट अमन? बिल्कुल निशान, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो अमन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारा इंटरव्यू का जो एक प्रोसेस होता है, जॉब को सर्च करने का जो प्रोसेस होता है, आप जैसे कि हैदराबाद में थे तो आपको तो वॉकिंस भी मिलते होंगे और आप ऑनलाइन भी कई जॉब्स पे जो ओपनिंग है उसपे अप्लाई करते होंगे, राइट? लेकिन वो लड़का या वो लड़की जो एक छोटे शहर में, जैसे कि आप लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कोई मध्य प्रदेश से है, छोटे शहर के लड़के लड़कियां कैसे जॉब सर्च करें, आपको जॉब सर्च करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? निशात, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं मुझे ये लगता है कि इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि लोग ना गलती करते हैं कि जॉब उनको ढूंढनी कैसे चाहिए। मैंने लिंक्डइन पे काफी लोगों को देखा है, उनको जॉब चाहिए होती है, लेकिन जब मैं उनकी प्रोफाइल खोलता हूँ तो उसके नीचे, उनकी फोटो के नीचे जो शहर लिखा होता है वो इंडिया का कोई एक छोटा शहर होता है जहाँ कंपनियां नहीं होती हैं। देखिए, जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुने जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस बड़े शहर में जाके काम करना है। लेट से आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इन जगहों पे काम करना चाहते हैं, तो इनमें से जो शहर आपको चाहिए सबसे ज्यादा, आपके क्लोज हो, आप वही डालिए। क्लोज इन द सेंस जहां आप सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं काम करना। ठीक है, जैसे कि मेरे पास सबसे पास था हैदराबाद, तो मैंने हैदराबाद डाल दिया। अब होता क्या है, जब रिक्रूटर आपको सर्च करेगा लिंक्डइन पे कि ठीक है डेटा एनालिस्ट के कौन कौन से लोग तैयार हैं, तो वो डेटा एनालिस्ट कमा हैदराबाद ऐसे करके डालेगा। अब आपने डाल रखा होगा कहीं छोटा शहर हल्द्वानी या कुछ ले लद्दाख समथिंग, तो आप नहीं मिलोगे ना उसको। अब आप उसको मिलोगे नहीं तो आपको रिक्रूट कैसे करेगा, और फिर लोग ये कंप्लेन करते कि जॉब है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, ये पहली गलती होती है। दूसरी गलती
मैंने बहुतों की लिंक्डइन प्रोफाइल देखी जो कि इनकम्प्लीट सी होती है, वो बस सीधा आते हैं और डाल देते कि हमको नौकरी चाहिए। उनकी प्रोफाइल आप देखिएगा तो आपको काफी चीजें मिलेंगी जो मिसिंग है अपने बारे में। वो बहुत कम लिखते हैं, बहुत कम खुल के बताते हैं, एजुकेशन के बारे में कुछ सेक्शंस मिसिंग हो जाते हैं, या उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किए वो लिंक्डइन पे नहीं डालते। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, रेज्यूमे में डाल रहे हैं, आप उसको लिंक्डइन के साथ एम्बेड कीजिए, आप उसको डालिए, पब्लिश कीजिए लिंक्डइन पे। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हैशटैग्स यूज करके आप काफी लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने मेरे को पावर बीआई में जाना था, ठीक है, मेरे को पावर बीआई रोल चाहिए था। तो पावर बीआई से रिलेटेड रोल क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। तो मैंने सर्च बार में सीधा डेटा एनालिस्ट डाला, और डेटा एनालिस्ट डाल के जब एंटर मारोगे तो आप सारे लोग आ जाएंगे जिनकी प्रोफाइल में डेटा एनालिस्ट वर्ड होगा। तो मैंने क्या किया, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए और सबने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया, और वही होता है। तो ये आप भी कीजिए, आपको जो भी आपको बनना है, लेट से आप एसक्यूएल डेवलपर बनना चाहते हैं, पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं, आप वही कीवर्ड डाल के सर्च कीजिए, लोग जो भी आपको मिल रहा है आप उनसे कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद जब आपको जॉब चाहिए तो आप जब अपने पोस्ट में लिखते हैं कि मेरे को जॉब चाहिए, तो आप लिखिए हैश कनेक्शंस। तो कनेक्शंस मतलब आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उनको वो पोस्ट दिखाई देगी, तो आपकी रीच बढ़ेगी। और इसमें आप अपनी कंपनीज को भी यूज कर सकते हैं। लेट से आप माइक्रोसॉफ्ट गूगल में काम करना चाहते हैं, तो आप हैश माइक्रोसॉफ्ट लिखिए, हैश गूगल लिखिए, तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल वाले जो लोग हैं जो आपकी प्रोफाइल में नहीं भी होंगे वो भी देख पाएंगे क्योंकि आपने वो हैशटैग यूज किया है। तो इससे आपकी रीच बढ़ेगी, आप जितना रीच बढ़ा पाएंगे लिंक्डइन पे उतना आपके लिए अच्छा है। तो देखिए अमन भाई ने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक डेटा साइंस का एक पूरा एग्जांपल दे दिया कि आप जब भी डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस के बारे में समझ पाएंगे या पढ़ेंगे तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। जो अभी अमन ने कहा कि एक जॉब सर्च करना भी एक आर्ट है, राइट अमन? बिल्कुल, बहुत बड़ी आर्ट है ये तो। सही बात है, क्योंकि एक जॉब सर्च करना नहीं, पूरी तरीके से जॉब को हंटिंग करना जो है वो इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो जो भी स्टूडेंट है उन्हें घबराना नहीं है, सबसे पहले तो मोटिवेट होना है, क्योंकि देख सकते हैं आप मेरे सामने अमन भाई को, जिन्होंने पहले जो अपना बैकग्राउंड है बायोलॉजी के तरफ रखा, उसके बाद वो मैथ्स के तरफ आए, फिर मैकेनिकल के तरफ गए, फिर उसको फाइनेंशियल के तरफ आए, फाइनेंस में एमबीए किया, उसके बाद उन्होंने अपने मनपसंदीदा काम टीचिंग को किया, डिफेंस में जाना चाहते थे, और आज उन्हीं सारी वजहों के कारण वो आज आपके सामने है, और एज ए बड़े भाई या फिर एज ए भाई की तरह आपको यहाँ पे जो है मेंटर जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। थैंक यू निशांत, मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी चीज आप करें थोड़ा शिद्दत से करें और सफलता मिलेगी जरूर। जर्नी बड़ी जरूर हो सकती है लेकिन मंजिल मिलती जरूर है। राइट अमन। देखो हम लोगों ने अमन भाई से क्या क्या पूछ लिया, अभी तक सब कुछ पूछ लिया। अब अमन भाई, डेटा एनालिस्ट की हमारी जो जॉब लगी, फर्स्ट जॉब जो हमारी लगी, उसमें एक डेटा एनालिस्ट को जाने के बाद करना क्या होता है? यहाँ पे पूरे दिन भर डैशबोर्ड क्रिएट करना होता है। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि जाने के बाद करना क्या होता है, डैशबोर्ड क्रिएट करना होता है, या ETL प्रोसेस करते रहना पड़ता है, या फिर एक्सेल में दिन भर काम करने पड़ता है, ये सारी चीजें आप स्टूडेंट्स को बताएं। देखिए निशांत, ये चीजें जो होती हैं ये सब्जेक्टिव होती है, ये आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है और उस समय प्रोजेक्ट कौन सा है आपकी कंपनी में उस पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं हूँ पावर बीआई डेवलपर, बट जो पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला था उसमें ETL में मतलब एक्सेल में मेरे को सफाई करनी थी डेटा की, तो आप ये समझिए एक्सेल पे मेरे को काम मिल गया था, तो वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो आप कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए कि आपको यही मिलना चाहिए या वही मिलना चाहिए, आप तैयार रहिए क्योंकि आपको जॉब की जरूरत है। उसके बाद अभी बीच में मेरे को कुछ दिन के लिए पाइथन पकड़ा दी गई, इंटरनल को टास्क थे हमारे कंपनी के, तो मैंने पाइथन पे भी काम किया। अभी कुछ दिनों के बाद एक नया प्रोजेक्ट आएगा जिसपे मेरे को टैबलो पे काम करना पड़ेगा, तो करंटली मैं टैबलो सीख रहा हूँ क्योंकि मेरे को उतने अच्छे से नहीं आता है। तो आप डेटा एनालिस्ट के लिए मैंने जितनी स्किल्स आपको गिनाई हैं आप वो सारी स्किल्स सीख के रखिए और थोड़ी मीडियम लेवल तक महारत हासिल कीजिए, तो वो आपको काम आ जाएंगी, क्योंकि क्या जॉब रोल मिलेगा आप भी गेस नहीं कर सकते। तो इसी के लिए आप अपना माइंड सेट रिजिड मत बनाइए, फ्लेक्सीबल रहिए कि हाँ मेरे को ये भी मिलेगा तो भी मैं कर लूंगा, ये भी मिलेगा तो भी मैं कर लूंगा, क्योंकि ये सब डेटा एनालिस्ट के ही अलग अलग फ्लेवर है। आप आइसक्रीम खाने जाते हैं, अब आप ये थोड़ी बोलते हैं कि यार ये फ्लेवर मतलब क्रीम नहीं लग रही है, आप बस यही बोलेंगे कि ये फ्लेवर अलग लग रहा है, क्रीम तो वही होती है। तो बस वही चीज है यहाँ पर भी। करेक्ट, अमन का कहने का मतलब है कि देखिए कभी भी हम लोग किसी भी जॉब में जाते हैं तो लगातार हमें सीखते रहना पड़ता है। जैसे अमन की जर्नी से हम लोग सीख रहे हैं कि अमन ने पहले पावर बीआई पढ़ लिया, जॉब ट्रैक कर ली, उसके बाद जरूरत पड़ती है तो आज वो टैबलो यूज कर रहे हैं। हो सकता है कल उनको जरूरत पड़ेगी जूहो की, कल उनको क्लिक साइंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो अपने स्किल सेट को लगातार इम्प्रोवाइज करते रहेंगे। तो डेटा साइंस की या डेटा एनालिस्ट की जो जर्नी होती है वो हमारे व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि वो ऐसी जर्नी होती है जिसको आपको लगातार जो है सीखते रहना है, लगातार यहाँ पर आपको अपडेट होते रहना है। राइट अमन?
बिल्कुल बिल्कुल, सीखना तो कभी छोड़ना नहीं जिंदगी में। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, आप समझ लीजिए कि आप मर गए हैं, लिटरली आप मर गए हैं। आप लाइफ में और कुछ अच्छा कर नहीं सकते। सही बात है मैम। अमन, मैं आपसे और थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ डेटा बिल्कुल एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड। अब हम लोग डेटा एनालिस्ट के बाद डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, हम मान के चलते हैं एक स्टूडेंट है जो अभी जॉब क्रैक कर रहा है, मतलब जॉब अभी फर्स्ट इनिशियल लेवल का जॉब या एंट्री लेवल का, ठीक है। वो 1 साल या 2 साल काम करेगा एक एक्स नंबर के पैकेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एक्स से 2x तरफ के पैकेज में जाने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी चीज, उसको कितना टाइम लगता है 2x के अंदर जाने के लिए। यदि आप इस चीज में यदि रियलाइज कर रहे होंगे आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो वो भी आप हमारे व्यूवर्स कम्युनिटी को बताएं। देखिए, इस फील्ड में सबसे कमाल की बात यह है कि आपकी ग्रोथ बहुत तेज होती है बाकी फील्ड्स की कंपैरेटिवली, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा चैलेंजिंग सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग काम रहता है। तो जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट तक जाने में कितना टाइम लगेगा और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो इसमें कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि एयर फ्लो है, पाइथन पे पूरी तरह से काम करता है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ एक क्लाउड टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। मार्केट में 3 क्लाउड बहुत फेमस हैं, अभी चल रहे हैं। एक है AWS, एक है अज्योर और एक है गूगल क्लाउड, GCPM जैसे कहते हैं। तो आप तीनों में से कोई एक सीख लीजिए, बाकी फंक्शनिंग तीनों की एक जैसी है, तो आप एक सीख लेंगे, आप बाकी दो अपने आप काम कर लेंगे। तो जब आपको ये चीजें आ जाएंगी तो आप इन्हीं में ETL भी बना सकते हैं। ETL के लिए कोई अलग से आपको टूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन भी आपका ETL का काम कर देता है, टैबलू में भी ETL है, पावर BI में भी ETL ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, और एयर फ्लो तो है ही एक ETL टूल। तो ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे, खुद से जब आप ये चीजें करेंगे अकेले होके, तो उसको हम एक साइंटिस्ट कहते हैं। एनालिस्ट क्या होता है, बहुत सारे एनालिस्ट मिलके जो काम कर सकते हैं वो एक डेटा साइंटिस्ट अकेले कर सकता है। तो इसी के लिए जैसे ही आप डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे तो आपकी सैलरी 2 टाइम्स की, आपकी 3 टाइम 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, इतना ज्यादा सैलरी पैकेज है डेटा साइंटिस्ट का, और उसकी डिमांड भी बहुत है। तो आप एकदम से वो डिमांड देख के आप कूदने की कोशिश मत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए एनालिस्ट से। एक बार आप घुस गए, आप बहुत अच्छे एनालिस्ट बनेंगे, तभी आप एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन पाएंगे, ये चीजें याद रखिए। और बस यही जो मैंने स्किल्स आपको गिनाई है, ये कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स है जो आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये स्किल्स अगर आपको नहीं आती तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो बस यही मेरा रहेगा लोगों को राय, कि बस आप पहले डेटा एनालिस्ट के बारे में फोकस कीजिए, और जब आप 2 साल मैक्सिमम, आपको 1.5 साल लगेगा आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि वो आपको कितनी जल्दी प्रमोशन देती है, या आपके काम की निष्ठा पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो ये सारी फैक्टर्स मैटर करते हैं। करेक्ट, अमन का कहने का मतलब है कि हम लोग को डेटा साइंस की तरफ जाना है डेटा एनालिस्ट के लिए, तो हम लोग को लगातार नई नई चीजें सीखती रहनी पड़ेगी, चाहे वो डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो। अमन, यहाँ पे क्या स्टूडेंट को डिप्लॉयमेंट के लिए कोई स्किल सेट या कोई फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, जो जो डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ रहा है उसको एक डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट दोनों के बीच में वो डाइवर्सिफाई कैसे करे कि मुझे इस लेवल तक ही जाना है पाइथन में। यदि आपके आपके कोई फीडबैक होंगे, मुझे SQL में इस यहाँ तक ही जाना है, मुझे नो सिक्वल लैंग्वेज ही पढ़नी है, मुझे सिक्वल लैंग्वेज तरफ नहीं जाना है, MongoDB वगैरह नहीं पढ़ना है। वो एक स्टार्टिंग स्टूडेंट जो है जिसको कुछ भी नहीं आता, जो लोग बिना मेंटर के पढ़ रहा है, ठीक है, उसको एक थीन लाइन जो होती है डेटा एनालिस्ट में कितना पढ़ना चाहिए और डेटा साइंटिस्ट में कितना पढ़ना चाहिए, वो एक खुद से वो कैसे यहाँ पर जो है वो जज कर सकता है। यदि कोई आप यहाँ पे रिसोर्सेज मटेरियल सोर्स मटेरियल बताना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने तो इस बारे में जब मैंने खुद से, मेरे को एक्चुअली क्या था ना, मेरे को खुद ही लगता था ये सारी चीजें एक हैं, बट फिर जब मैंने खुद से देखा ढूंढा और कंपनी में आके जब मैंने लोगों से बात की, तो मेरे को पता चला कि थोड़ा सा अंतर होता है हर चीज में, बाकी हैं की चीजें ये। तो जैसे कि आपने डिप्लॉयमेंट के बारे में पूछा कि जब आपको डिप्लॉयमेंट करना होगा या डिप्लॉयमेंट आने लग जाएगा, तो आप एक तरह से आप साइंटिस्ट की ओर बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि एनालिस्ट का काम डिप्लॉयमेंट का नहीं होता है, ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है डिप्लॉयमेंट का। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक मॉडल आप बनाते हो मशीन लर्निंग में, उसको टेस्ट करते हो, एक्यूरेसी देखते हो, और फिर आप उसको डिप्लॉय करते हो। तो ये डेटा साइंटिस्ट करता है, डेटा एनालिस्ट नहीं करता है। तो आप शुरुआत में ये सारी चीजें मत सीखे, क्योंकि ये चीजें सीखने में आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा। अब क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हमें देख रहे हैं उनको जॉब की आवश्यकता है या जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो 6 महीने का रोड मैप मेरा यही रहेगा कि आप पाइथन जब आप सीख रहे हैं तो आप डेटा फ्रेम बनाना सीख लें, आप कोई भी रॉ डेटा आ रहा है आप उसको लोड करना सीख लें, उसको कैसे क्लीन करेंगे वो आप सीख लें, क्योंकि डेटा को क्लीन करने के कुछ 5 से 6 बेसिक स्टेप्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए।
और बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स आप किस तरह से उसको मैनुपुलेट करेंगे, हम उसको डेटा मैनुपुलेशन कहते हैं, आप डेटा मैनुपुलेशन सीख लीजिए, इतना शुरुआत के लिए बहुत है, नहीं तो पाइथन तो इससे कई गुना ज्यादा है, इट्स एन ओशन, ठीक है, इतना आप सीख लेंगे तो पाइथन के लिए ठीक है। फिर कमिंग टू एसक्यूएल, एसक्यूएल में बेसिक चीजें आपको सारी आनी चाहिए स्टार्टिंग लेवल की, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, उनमें वैल्यू कैसे डाली जाती है, ठीक है, वैल्यू अगर एक बार डाल दी उसको चेंज कैसे करें, पूरी की पूरी टेबल ड्रॉप करनी है तो कैसे करें, ठीक है, टेम्परेरी टेबल बनानी है तो कैसे करें, ये सारी चीजें आप सीख लीजिए। अगर आपको किसी को परमिशन ग्रांट करना है, कल को अगर आपको एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर का काम मिल गया तो आपको परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी कि कौन क्या कितना काम कर सकता है डेटाबेस में, ठीक है, ये एक सिक्योरिटी वाला जैसा काम है कि अगर हर कोई एक्सेस करने लग जाएगा आपका डेटाबेस तो वो हैक हो सकता है, तो वो कैसे ग्रांट करते हैं, ये सारी बहुत सिंपल सिंपल दो तीन लाइन के स्टेप्स होते हैं, बस आपको सीखना और प्रैक्टिस करना है, इतना तक आप सीख लीजिए, नहीं तो एसक्यूएल में भी कई गुना ज्यादा लंबी लंबी चीजें हैं, ठीक है, जॉइंस सीख लीजिए, जॉइंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एसक्यूएल में, ठीक है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, ये सारी चीजें, और किस चीज को कहाँ पे यूज करते हैं ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादा ज्यादा मैंने क्या देखा है, मेरे खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपसे ये पूछते हैं कि ये चीज यूज कहाँ होगी, क्योंकि यूज करना तो लोगों को आता है लेकिन कहाँ पे यूज की जाती है वो उनको नहीं पता है। अब जैसे उन्होंने मेरे से पूछा था एसक्यूएल में कि मैं लेफ्ट जॉइन ही क्यों यूज करूँ इस केस में, मैं राइट जॉइन क्यों नहीं यूज कर सकता, तो आपको जब तक अंतर नहीं पता होगा कि ये चीजें क्या होती है तो आप नहीं बता पाएंगे, तो उसके लिए आप उसकी थ्योरी पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सिर्फ हर चीज प्रैक्टिकली नहीं होती है, मतलब राइट मिक्सचर रखिए थ्योरी प्रैक्टिकल का, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ये अमन का यहाँ पे कहना है। और यहाँ पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो मुझे ड्रॉप करते हैं कि मैं लगभग एक महीने से यहाँ पर एडवांस एक्सेल पढ़ रहा हूँ, तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक्सेल पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं उसको आप याद करते रहेंगे, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह आप एकदम एक्सेल में ये यहाँ पे पूरा मंथ दे देंगे तो आपका यहाँ पे पूरी तरीके से टाइम वेस्ट हो सकता है। वही चीज आपकी एसक्यूएल में भी हो सकती है, वही चीज आपकी पाइथन में भी हो सकती है, तो आप पर्टिकुलर यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो सिलेबस होता है उसको यहाँ पे फॉलो अप करते हुए जाएं और उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे देखें कि आप एक्सेल के अंदर वी लुकअप तक पहुंच गए हैं, आपने यहाँ पे पिवट टेबल्स बना लिया है, उसके बाद आप यहाँ पे जो है सारी चीजों को जो है ब्रेक कर सकते हैं, राइट अमन? राइट बिल्कुल सही, राइट। बेसिक चीजें आप सीखे जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो आपको गूगल में मिल जाएंगी, आप अगर डालेंगे ना कि द मोस्ट यूज्ड फंक्शंस इन एक्सेल आ जाएंगी, आप उतने ही पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं 6 महीने का जो रोड मैप अमन ने जो यहाँ पे लिया हुआ है वहां पे उन्होंने लिमिटेड चीजें पढ़ी है, लेकिन जो चीजें पढ़ी है वो बोले कि पूरे फंडामेंटल्स के साथ पढ़ी है, उन्होंने इंटरव्यू को कैसे तैयारी करना है इंटरव्यू के लिए वो भी हमसे बताया, रिज्यूम कैसे बनाना है वो भी हमसे बताया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटरव्यू में क्या हुआ अमन के साथ। अमन देखिए, हम लोग एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर चीजों को देखते हैं कि एक स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वो वहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करता है, राइट, जो अपने स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन देता है उससे ही आप उसके दूसरे क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन जो है रेज होते जाते हैं, राइट अमन? तो आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहा कि आपको टेक्निकल की तरफ कितना लेके जाया गया और नॉन टेक्निकल की तरफ क्यों लेके जाया गया, क्योंकि एक डेटा एनालिस्ट यहाँ पर बिजनेस को भी अंडरस्टैंड करना उसको आना चाहिए, साथ ही साथ उसको टेक्निकल स्किल्स भी आना चाहिए, तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहा, इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीजें आप हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को काइंडली शेयर करें। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू किस दिशा में जाएगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं, जनरली हम कैंडिडेट इस बात पे फोकस नहीं करते, हमको ये लगता है बस उसने क्वेश्चन पूछा हमको आंसर देना है, ऐसा नहीं होता है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। मेरे शुरुआत में गलतियां ये हो रही थी कि जब वो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछते थे कि ठीक है अमन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इतना शॉर्ट और क्रिस्प रखता था कि मतलब उनको लगता ही नहीं था कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या ही पूछें, तो वो फिर सीधा मेरे टेक्निकल पे आ जाते थे, ठीक है, जबकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपनी स्ट्रेंथ पे बिताने देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये चीजें मेरे को काफी देर में समझ में आई, 6th-7th अटेम्प्ट में। तो 6th-7th अटेम्प्ट का मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या हुई सीधा। मेरे आखिरी अटेम्प्ट में एक्चुअली हुआ ये कि मैं समझ में आ गया था कि मेरे को इस बार अपने स्ट्रेंथ के बारे में उनको बताना है ताकि सारा क्वेश्चन सारा इंटरव्यू मेरी स्ट्रेंथ की तरफ मुड़ जाए और मैं आसानी से आंसर दे पाऊँ। तो इस बार मैंने रेज्यूमे भी चेंज किया था, पावर बीआई को टॉप पे डाला था, ठीक है, और जब उन्होंने मेरे से पूछा कि ठीक है अमन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और बताइए कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं और किस स्किल्स में आप कितने अच्छे हैं, तो मैंने शुरुआत जब पूरा अच्छे से डिटेल में अपने बारे में बताया मैं कहाँ से हूँ क्या किया एजुकेशन एंड एवरीथिंग, मैंने स्किल्स में सबसे पहला जो वर्ड मैंने यूज किया पावर बीआई। जो भी रेज्यूमे में है आप वही चीज आपको बतानी है,
ठीक है, पावर बी आई जब मैंने कहा, उसके बाद फिर मैंने एसक्यूएल कहा, स्टैटिस्टिक्स ऐसे कहा, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने लिखा था। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि अब इंटरव्यूअर वही पूछेगा ना जो आप उसको बता रहे हो, तो उसने सीधा सीधा मुझसे पूछा कि ठीक है आपने पावर बी आई पे कोई प्रोजेक्ट किया है क्या, अगर किया है तो हमें बताइए उसके बारे में। तो वही मैंने रेज्यूमे में डाला था, तो बस फिर तो बस मेरी चांदी थी। तो उसके बाद बस मेरे को डिटेल में अपना प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना था और बस काम बन गया था, तो वही मैंने किया। फिर उन्होंने काफी डेप्थ में घुस के मेरे से प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, इसको इस तरह से भी किया जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया। तो मैंने उनको रीजंस भी बताए कि सर ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए नहीं किया। तो इस चीजों से उनको आपका टेक्निकल स्किल्स का भी आइडिया लग जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी, सॉफ्ट स्किल्स का भी पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि वो आपके स्ट्रेंथ पे ही बेस्ड होना चाहिए। उतना आप कर लेंगे तो लगभग लगभग 90% आप मान के चलिए आपने इंटरव्यू की लड़ाई जीत ली है। वो 10% कभी इधर उधर कुछ हो सकता है, वो अगर कभी उसका मूड नहीं हुआ तो नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बट आप इतना कर लेंगे तो आप श्योर मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अमन ने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब लर्निंग पॉइंट आपको बताया है कि आपको इंटरव्यू का जो प्रैक्टिस करना है, इंटरव्यू की जो आपको तैयारी करना है वो आपके हाथ में है, कि आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट बना रहे हैं और अपने इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं उस पर आप फोकस करिए, क्योंकि आपको वहां पर मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या आधा घंटा, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी आपकी लर्निंग जर्नी बताना है। तो आपको यहाँ पर ये आर्ट आना चाहिए, आप सीख सकते हैं। यहाँ पर अमन ने अपनी गलतियों से कई सारे यहाँ पर लर्निंग लेसन हमें दिए हैं, हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए अमन ने इतना मेन जो टाइम है वो निकाल के यहाँ पे हमें दिया है। सो अमन, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन लास्ट जाते जाते एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे पूछेंगे कि अमन, एक लड़का जो अपने घर से निकला, लखनऊ से निकला, और उसने एक छोटे शहर से निकलकर एक बड़े शहर में यहाँ पे नौकरी पा ली है, आज प्राउड फादर है हमारे पास, जिन्होंने नहीं पता सोसाइटी को, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा ही हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि वो जानते हैं अपने बच्चों के पोटेंशियल्स को। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना उसको यहाँ पे जो है वो लॉस कर देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के चक्कर में। तो यहाँ पर मैं, आप उन स्टूडेंट्स को क्या फीडबैक देना चाहोगे कि यार डिप्रेशन पॉइंट और लो पॉइंट तो हर किसी के जीवन में आते हैं, उसमें आज अमन के साथ जो है वो उन्होंने उसे फिगर आउट करते हुए आए, तो अमन आज एक स्ट्रॉन्ग फिगर में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। लेकिन वो लड़का जो आज 2015 वाला अमन था, वो लड़का यदि इस वीडियो को देख रहा है या वो लड़की इस वीडियो को देख रही है, तो उनको क्या आप फीडबैक देना चाहोगे? देखिए, इसमें मैं एक अपनी तरफ से एक पर्सनल टच जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, हम सब इंसान हैं और हमको नहीं पता कि हमारा फ्यूचर में क्या लिखा है या क्या करना चाहिए। बहुत लोग शुरुआत में हार मान जाते हैं, ठीक है। मेरी कुछ 3 गलतियाँ रहीं, मैं सबसे पहले गलतियाँ गिनाऊँगा आपको। सबसे पहली गलती तो ये थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो सोसाइटी जब ऐसा होता है ना कि आप थोड़ी सी कुछ अच्छा करो तो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ भाई अच्छा लड़का है, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो ये चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर। ओवर कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर कभी मत आने दीजिए, क्योंकि आप याद रखिए जिस दिन जिंदगी आपको नीचे गिराएगी आप ऐसे गिरेंगे कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ये पहली गलती। दूसरी गलती ये थी कि मतलब मैं ना एक रिजिड माइंडसेट के साथ रहता था कि नहीं मेरे को यही करना है, ये नहीं करना है, जबकि आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में या आपकी तरफ आ रही है आप हर चीज़ ट्राई कीजिए, देखिए आपके साथ क्या सही बैठ रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये थी कि मैं शुरुआत में उतना स्पिरिचुअल नहीं था, जबकि आपको अपने इमोशनल क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि आप जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने गॉड को, ईश्वर को, जिसको भी है, आप उसको मानिए, दिल से आप उसकी सहायता मांगिए और अपना कर्म करते रहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सफलता आज नहीं मिलेगी, आपको सफलता कल नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर अगर आप लगे रहेंगे तो, क्योंकि रोड कभी खत्म नहीं होती है, बस रोड पे चलते रहना चाहिए आपको। अगर आप रोड पे खड़े ही रहेंगे तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये शॉर्ट एंड क्रिस्प में यही रखना चाहूंगा कि देखिए, डिप्रेशन का भी फेस आएगा, झगड़े भी होंगे घर में, लोगों के साथ डिस्टर्बेंसेस होंगे, ठीक है, और हर कोई आपकी एनर्जी सक करने की कोशिश करेगा। आप ये देखिए कि आपका टाइम कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, आप उस चीज को थोड़ा फिक्स आउट कीजिए, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगा दीजिए, ठीक है। सिर्फ अपने परिवार को समय दीजिए और किसी को समय मत दीजिए, और आप बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, यही मेरा कहना है व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक अच्छे LPA तक पहुंचने की जो जर्नी है उसका फुल फॉर्म हम लोगों ने सीखा अमन से। L का फुल फॉर्म लर्निंग, P का फुल फॉर्म प्रैक्टिसिंग, और A का फुल फॉर्म असेसमेंट। आप लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और असेस करते रहिए, तो आप एक अच्छे LPA तक पहुंच पाएंगे।
सो यहाँ पर अमन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आकर हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए इतना टाइम निकाला, और जो भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी इस वीडियो को देख रही है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमन का यहाँ पर लिंक्डइन का हम लोग जो लिंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, आप जाकर डायरेक्टली अमन से भी कई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप सारे आने वाले जो क्वेश्चन है पॉडकास्ट के लिए वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, और मैं फिर से पॉडकास्ट को इसी लाइन के साथ खत्म करूंगा कि अगर मैं कर सकता हूँ, इतनी सारी चीजों के बाद कर सकता हूँ, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और कभी भी आपको एक सेकंड के लिए भी डिप्रेशन फील हो तो आप अपने से नीचे वालों को देखिए, आपके पास अभी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके नीचे लोगों के पास नहीं है, तो इस बात का आप शुक्र मनाकर पॉजिटिव होकर फिर से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अमन, मैंने भी आज अमन से बहुत सारी चीजें सीखी, मिलियंस ऑफ हेल्पिंग हैंड्स को यहाँ पर जोड़ने का हमारा जो सिलसिला है वो लगातार चलते रहेगा। आज हमारे साथ एक और हेल्पिंग हैंड्स अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए मैं अमन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अमन। थैंक यू निशांत, थैंक यू।